हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आज आपकी साइंस की अगली ऑनलाइन क्लास है और आज अपन साइंस का चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। चलिए बच्चों, तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। देखो फाइबर क्या होता है, आपने पिछली क्लासेस में खूब पढ़ा है। फाइबर का मतलब कपड़ा, और ठीक है तो फाइबर किससे बनता है, यार्न से बनता है। यार्न अपन ने पढ़ा था, YARN, धागा। ठीक है, धागे को यार्न बोलते हैं और धागों से फाइबर, फाइबर मतलब कपड़े बनते हैं। ठीक है, फाइबर भी एक तरह का मतलब, और फाइबर से फिर फैब्रिक मतलब सिले हुए कपड़े, फैब्रिक हो गया, जो पोशाक अपन पहनते हैं उसको फैब्रिक बोलते हैं। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक के बारे में चैप्टर के अगले पार्ट में पढ़ेंगे। द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स, फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज। तो जो कपड़े अपन पहनते हैं वो किससे बनते हैं, फैब्रिक से बनते हैं। और फैब्रिक किससे बनते हैं, छोटे छोटे धागों से, जिनको बोलते हैं फाइबर। ठीक है, हाँ फाइबर भी एक तरह का धागा ही होता है। थोड़ा सा मैंने आपको मिसगाइड कर दिया, फाइबर धागा है, लेकिन फाइबर अपने आप में धागा क्या, छोटे छोटे धागों का समूह होता है, और एक छोटा धागा क्या कहलाता है, YARN, यार्न। तो यार्न मतलब छोटा धागा, उनको मिलाकर एक बड़े बड़े धागे बना दिए जाते हैं, जिनको अपन बोलते हैं फाइबर, और फाइबर से फिर कपड़े बनता है जिसको बोलते हैं फैब्रिक। ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज। अब फाइबर अपन को जो धागे हैं या तो प्रकृति द्वारा मिलते हैं, नेचुरली मिलते हैं, या आर्टिफिशियल इंसान के द्वारा खुद बनाए जाते हैं। आर्टिफिशियल यानी जो इंसान खुद बनाए, तो इन स्रोतों से अपन को मिलते हैं। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर के नाम बता सकते हो। तो जैसे मान लो कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, तो ये सारे क्या है, नेचुरल फाइबर। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर, ट्राई टू सेपरेट दैम इंटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ। देखो जैसे मान लो बात करें स्वेटर, तो स्वेटर वुल से बनता है, तो एक नेचुरल फाइबर है। बात करें अपन पैराशूट, जो अपन पैराशूट का कपड़ा आता है ना, पैराशूट या फिर या कहें रेनकोट वगैरह, वो एक आर्टिफिशियल फाइबर से बनता है। ठीक है, अपन बात करें बास्केट वगैरह, या फिर रस्सियाँ की बात कर ले, जो बली फंडों को बांधने में बांध, रोप्स, तो वो नेचुरल फाइबर से बनती है। कुछ रोप्स आर्टिफिशियल की भी बनती है। तो इस तरीके से आप लिस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। व्हाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल, तो आपने कुछ फाइबर्स को आर्टिफिशियल क्यों लिखा। यू हैव रेड इन योर प्रीवियस क्लासेज दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वुल, सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। कि नेचुरल फाइबर या तो प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल, तो प्लांट्स और एनिमल से मिलने वाले फाइबर्स को अपन क्या बोलते हैं, धागों को अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर एंड आर मेड बाई ह्यूमन बींग्स, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड। और सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, वो फाइबर्स जो इंसान के द्वारा खुद बनाए जाएँ, प्रकृति हमें ना दे, उसे अपन सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, मैन मेड फाइबर कहते हैं, आर्टिफिशियल, तीनों बोल सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर भी बोल सकते हैं, मैन मेड फाइबर भी बोल सकते हैं, या फिर आर्टिफिशियल फाइबर भी बोल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे अब। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन ए नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंट विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड, और ट्राई टू जॉइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन एज इन द फिगर 3.1b। इज एनी देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द टू। आप एक मोतियों को पिरो पिरो कर एक माला बना लीजिए, या फिर पेपर की क्लिप्स ले लीजिए, जिनको जोड़ जोड़ कर आप एक चेन बना लीजिए। तो दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, क्या एक जैसापन क्या है इन दोनों में, कि दोनों चीज़ें छोटी छोटी एक जैसी ही इकाइयों को जोड़ जोड़ कर बनाई गई है। इसमें ये चेन भी एक जैसी ही इकाइयों को जोड़ जोड़ कर बनाई गई है। तो सिंथेटिक फाइबर में भी कुछ ऐसा ही होता है। अ सिंथेटिक फाइबर इज़ ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस, मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कम्बाइंड टू फॉर्म ए सिंगल लार्ज यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। तो सिंथेटिक फाइबर भी ऐसे छोटे छोटे एक एक इकाई होती है, जो एक रसायन होता है, एक केमिकल होता है, उसको जोड़ जोड़ कर लंबी चेन बनाते हैं। लंबी चेन बनने के बाद वो केमिकल ही क्या बन जाता है, एक फाइबर, एक धागा बन जाता है। ठीक है, और जब बहुत सारी स्मॉल यूनिट्स को जोड़कर वो बड़ी यूनिट बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स पॉली मीन्स मैनी एंड मर मेथ पार्ट। और पॉलीमर का मतलब भी जो होता है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मर मतलब पार्ट्स, जिसके बहुत सारे पार्ट्स हों। इसलिए सिंथेटिक फाइबर में क्यों, एक ही केमिकल के बहुत सारे पार्ट्स को जोड़ जोड़ कर बनाया जाता है, इसलिए इनको पॉलीमर्स भी कहा जाता है। सो ए पॉलीमर इज मेड बाय मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। तो पॉलीमर एक ही तरह की यूनिट को बार बार रिपीट करने से बनाया जाता है।
चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के केमिकल्स को बना के अलग अलग तरह के फाइबर्स बनाए जाते हैं। सबसे पहला है रेयन, आपने काफ़ी सुना होगा रेयन का कपड़ा है, ठीक है। और आपने कभी अगर आपने इस्त्री की हो, अगर कपड़ों के प्रेस किया हो, तो आप देखते हो उस पर प्रेस पे एक गोला होता है, कईयों के ऐसी एडवांस अगर प्रेस होगी तो उसमें गोला होता है, उस पर एक बटन सा गोला होता है जिसपे लिखा होता है रेयन, नाइलॉन, कॉटन वगैरह। तो वो अलग अलग कपड़े के लिए अलग अलग टेम्परेचर देता है। तो रेयन एक फाइबर है जो जिससे कपड़े बनते हैं। यू हैव रेड इन क्लास 7th दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड वॉज कैप्ट एज क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। आपने सातवीं में पढ़ा होगा कि सिल्क वॉर्म नाम के एनिमल से सिल्क मिलता है अपन को, जो कि एक फाइबर है, धागा है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा सिल्क की साड़ी होती है, तो वो धागा सिल्क का धागा होता है जो कि चाइना में डिस्कवर हुआ, सबसे पहले चाइना में पाया गया। और इसको चाइना वालों ने बताया नहीं, क्यों? क्योंकि काफ़ी कॉस्टली था ये, तो चाइना वाले खुद अपने पास काम में लेते रहे, लोगों को बताया नहीं। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है सिल्क के फाइबर से जो कपड़ा बनता है। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्स्चर फैसिनेटेड एवरी बडी, लेकिन इसका टेक्स्चर मतलब जो कपड़ा बनता है उसको छूने पे जो जितना मुलायमनेस, जितना सॉफ्टनेस होती है, जितना सुंदर वो होता है, वो सबको आकर्षित करता है। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक अ सिल्क आर्टिफिशियली, फिर आगे जाके साइंटिस्ट ने सोचा कि इतना महंगा है तो अपन क्या केमिकली तौर पर इस जैसा कपड़ा आधुनिक आर्टिफिशियली, यानी इंसान अब क्या ऐसा खुद कपड़ा बना सकता है सिल्क जैसा। तो टुवार्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। और 19 काफ़ी कोशिश की साइंटिस्ट ने, और खोज करते करते 19th सेंचुरी आते आते वो एक ऐसा कपड़ा बना पाए जिसको अपन बोलते हैं जो कि सिल्क के बिल्कुल सिमिलर था और सिल्क जैसी प्रॉपर्टीज थी। सच ए फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाई केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प मतलब लकड़ी की लुगदी, मतलब लकड़ी का एक लिक्विड सा मटेरियल होता है, ठीक है। लकड़ी की लुगदी सी बना दी जाए, लिक्विड मटेरियल बना दी जाए जिससे फाइबर बनाया जाता है, जिसको अपन रेयन कहते हैं। और इसका दूसरा नाम आर्टिफिशियल सिल्क भी है, क्यों? क्योंकि ये सिल्क की तरह ही होता है, बस सिल्क प्राकृतिक है और रेयन आर्टिफिशियल है। ऑल दो रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स वुड पल्प, येट इट इज़ ए मैन मेड फाइबर। ऑल दो जो रेयन बनता है वो वुड पल्प से बनता है, और वुड पल्प एक प्राकृतिक चीज़ है, लेकिन फिर भी इसको मैनमेड कहते हैं क्योंकि वुड पल्प कोई कपड़ा नहीं है, लेकिन उससे अपन रेयन धागा बना के कपड़ा बनाते हैं तो वो मैनमेड हो गया। इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन इनटू लाइक सिल्क फाइबर। तो जैसे सिल्क के कपड़े बनते हैं वैसे इसके भी कपड़े बन जाते हैं रेयन के, और ये सिल्क से सस्ता भी होता है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। रेयन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्सड विद वुल टू मेक कारपेट्स। तो रेयन को डाई करके, कलर करके आप अलग अलग तरह के कपड़े बना सकते हो। रेयन में अगर थोड़ा सा कॉटन मिला के अगर अपन बनाएंगे तो बेडशीट्स बनाई जा सकती हैं, और थोड़ा सा अगर वुल ऊन मिला देंगे तो कारपेट्स। तो रेयन में नेचुरल फाइबर्स बना के कुछ अलग अलग सब्सटेंसेस भी बनाए जाते हैं। तो आपसे पूछ सकता है, बताओ जो कारपेट है वो किन दो फाइबर्स का मिक्सचर होता है? तो एक होता है वुल और एक होता है रेयन, और बेडशीट्स रेयन और कॉटन। अगला फाइबर आता है सिंथेटिक फाइबर नाइलॉन। नाइलॉन इज अनादर मैन मेड फाइबर। नाइलॉन भी एक और है जो इंसान के द्वारा बनाया गया फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है, आर्टिफिशियल मैन मेड फाइबर है। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल। तो 1931 में इसको पहली बार बनाया गया था विदाउट कोई भी नेचुरल, जैसे पिछली बार अपन ने रेयन में तो प्राकृतिक मटेरियल यूज़ किया वुड पल्प, लेकिन इस बार पूरा ही केमिकल से, कोई प्लांट और एनिमल से मिलने वाला रॉ मटेरियल नहीं लिया, कच्चा माल नहीं लिया जिससे नायलॉन बने। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। इसको कोयले, पानी और हवा से नायलॉन धागा बनाया गया। इट वॉज फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, और ये पहला पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से एक सिंथेटिक फाइबर है। क्यों? क्योंकि पिछली बार तो पूर्ण रूप से नहीं था, क्यों? क्योंकि उसमें वुड पल्प नेचुरल मटेरियल का इस्तेमाल हुआ था। नाइलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नाइलॉन फाइबर काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी खींच सकते हो उसको, लंबा कर सकते हो, हल्का होता है। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश, ये काफ़ी चमकदार होता है, लस्ट्रस मतलब चमकदार, और इसको धोना भी काफ़ी आसान है। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स, इसलिए इससे कपड़े बनाने में काफ़ी फेमस हुआ, काफ़ी कपड़े बनते हैं इसके। वे यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नाइलॉन सच एज सॉक्स, रोप, स्टैंड्स, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स एक्सेट्रा। तो इससे अपन क्या क्या बनाए हुए इस्तेमाल करते हैं, मोज़े बनाते हैं, रोप्स, रस्सियाँ बनाते हैं, प्लास्टिक टाइप रस्सी आती है ना वो, टेंट बनाते हैं, टूथब्रश बनाते हैं, टूथब्रश की जो आगे के जो धागे होते हैं, दाने होते हैं सीधे आगे, जिस जो अपने दांतों को ब्रश करते हैं वो, कार के सीट बेल्ट बनाते हैं, स्लीपिंग बैग्स बनाते हैं, कर्टेन्स। नाइलॉन इज़
ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। और नाइलॉन काफ़ी मजबूत होता है, इससे पैराशूट भी बनाए जाते हैं, देखो हवा में उड़ने वाले, और रस्सियों पर जो रस्सी माउंटेनियर्स होते हैं जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं वो इसकी बनी हुई रस्सियों को भी काम में लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो ये चीज़ प्रूव करती है कि कितना स्ट्रांग है। अब आपको एक एक्टिविटी दे रखी है जिसको मैं आपको वर्बली समझा देता हूँ। आपको एक स्टैंड लेना, आयरन स्टैंड, और उस पर एक ऐसे स्टैंड लेके इसमें क्या करना है, धागे बांधने अलग अलग बार बार, और इस धागे को नीचे फिर तीन पीसेस में ब्रेक कर देना है, या तीन धागे और बांधने हैं उसी के, और इसके अंदर वज़न रखना है आपको, ठीक है। जैसे पहले आधा किलो, फिर एक किलो, फिर डेढ़ किलो, फिर दो किलो, फिर तीन किलो, ठीक है, अलग अलग वज़न रखना है। और आपको सेम लेंथ के, सेम मोटाई के और सेम साइज़ के अलग अलग धागे लेने, एक बार कॉटन का लेना है, एक बार नाइलॉन का लेना है, एक बार रेयन का लेना है, एक बार वुल का लेना है, अलग अलग धागे लेने हैं। और सब में आपको एक एक टाइम वज़न रखते जाना है, वज़न रखना और बढ़ाते जाना है, और कौन सा धागा कितने वज़न रखाने पर टूट गया वो आपको नोट करना है, जिससे आपको पता लग जाएगा कौन सा धागा कितना पावरफुल है, ड्यूरेबल है, स्ट्रेंथ ही है, और कौन सा धागा कितना कमज़ोर है, ठीक है। तो जैसे मान लो पहले मैं रेयन का धागा ले लूँगा, फिर उसको ऐसे कंप्लीट कर दूँगा, फिर इसमें पहले 1 kg रखूँगा, फिर 2 kg, फिर 3 kg, अब मान लो 4 kg रखते रखते वो टूट गया, तो 4 kg उसकी स्ट्रेंथ होगी। तो ऐसे आप अलग अलग धागों से खुद घर पे कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि धागा सेम लेंथ का, सेम साइज़ का होना चाहिए, नहीं तो पावर अपन अच्छे से मेज़र नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अगले आर्टिफिशियल फाइबर जिसका नाम है पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। दो आर्टिफिशियल फाइबर है, रेयन पढ़ लिया, नाइलॉन पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेंगे पॉलिस्टर। पॉलिस्टर सुना होगा आपने, पॉलिस्टर होता है जैसे कपड़ा पॉलिस्टर का, अपने घर वालों के या मम्मी के मुँह से सुना होगा आपने पॉलिस्टर, या कपड़े की दुकान पे चले जाओ पूरे दिन में बैठे रहो, एक ना एक टाइम तो आप पॉलिस्टर वर्ड सुन ही लोगे, भाई पॉलिस्टर वाला कपड़ा देना। अब पॉलिस्टर एक आर्टिफिशियल फाइबर है, एक्रेलिक भी आर्टिफिशियल फाइबर है, और पॉलिस्टर के अलग अलग प्रकार भी होते हैं जो अपन आगे पढ़ेंगे। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, फाइबर मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट व्रिंकल्ड ईजिली। पॉलिस्टर से बना हुआ कपड़ा में झुर्रियाँ अच्छे से आसानी से नहीं पड़ती, बिल्कुल सीधा सपाट रहता है। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज ईजी टू वॉश, और एकदम सीधा रहता है और इसको वॉश करना भी आसान है, ठीक है। तो देखो आपको प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, कॉटन का कपड़ा लो, थोड़ा सा भी करो झुर्रियाँ पड़ जाती है, फिर प्रेस करो, अगर पॉलिस्टर का बना हुआ कपड़ा तो प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। इट रिमेन्स क्रिस्प, ठीक है। सो इट इज़ क्वाइट सुइटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, इससे ड्रेसेस काफ़ी बनती है। यू मे हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस, आपने लोगों को पॉलिस्टर की शर्ट, क्योंकि शर्ट में झुर्रियाँ ना पड़े, सीधी रहे, एकदम अच्छे से धोने में अच्छे से रहे, चमकदार रहे, तो पॉलिस्टर की शर्ट कई लोग पहनते हैं। टेरेलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर, मैंने कहा था पॉलिस्टर के कई प्रकार होते हैं, तो टेरेलिन एक टाइप का पॉलिस्टर कपड़ा है। इट कैन बी ड्रॉन इन टू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन इन टू एनी अनदर यार्न, तो इसके छोटे छोटे धागे बनाए जा सकते हैं जिससे बड़ा धागा बनता है, फिर बड़े धागे से फैब्रिक कपड़ा बनाया जाता है। अगला पॉलिस्टर का एक प्रकार और है, PET, पॉली इथिलीन टेराप्थैलेट, पॉली इथिलीन टेराप, ये फॉर्मूला फुल फॉर्म पूछ सकता है आपको एग्जाम में, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PET, और ये क्या है, एक PET इज़ अ पॉलिस्टर और इसका पूरा नाम है पॉली इथिलीन टेराप्थैलेट, इज़ अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर, ये भी काफ़ी प्रयोग में होने वाला पॉलिस्टर का कपड़ा है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स, बॉटल बनाने में, कपड़ा नहीं एक्चुअली, धागा एक तरह का पॉलिस्टर है, तो इससे बॉटल बनती है, यूटेंसिल्स बर्तन बनते हैं, फिल्म बनती है जो कार शीशों पे लगती है वो, वायर बनते हैं, और बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। लुक अराउंड एंड मेक द लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट मेड ऑफ पॉलिस्टर, आप अपने चारों तरफ देखो कि कौन कौन सी चीज़ें पॉलिस्टर से बनी हुई हैं। अब देखो एक्स्ट्रा नॉलेज बता दो, आपकी साइड में लिखा हुआ था पॉलिस्टर क्या है, पॉली और ईस्टर से बना हुआ है, ईस्टर क्या है, केमिकल का नाम है, और ये ईस्टर के जब बहुत सारे यूनिट्स को जोड़ देते हैं ना बन, तो क्या बन जाता है, पॉली ईस्टर। अब ईस्टर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे टेरिलीन में अलग ईस्टर होता है, PET में अलग ईस्टर होता है, ईस्टर एक ग्रुप का नाम है, और ईस्टर स्वीट स्वेलिंग सब्सटेंसेस को ईस्टर कहते हैं, जो फलों में, फ्रूट्स में, जो फ्रूट्स वगैरह में काम में आते हैं, ठीक है। और जैसे आप परफ्यूम वगैरह में ईस्टर होते हैं, तो उस यूनिट्स को अगर अपन अलग अलग अगर अपन कंबाइन कर दें, यूनिट को जोड़ दें, तो वो पॉलिस्टर बन जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। जितने भी सिंथेटिक फाइबर जिनकी यूनिट्स पेट्रोलियम के प्रोडक्ट से ली गई है, यानी सिंगल यूनिट, उनको जोड़ जोड़ कर जो पॉलिस्टर सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं, उनको पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। पेट्रोलियम का मतलब गाड़ी में डलने वाला पेट्रोल नहीं होता, पेट्रोलियम बहुत बड़ा
एक तरह का ऑयल निकलता है जिसमें अलग अलग तरह के पार्ट्स निकलते हैं, कोल, पेट्रोल, डीजल वगैरह। तो उससे अगर सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं तो उनको पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे, सोचो कि एक रेनी बारिश का दिन है। वॉट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई? आप कैसा अम्ब्रेला यूज़ करोगे जिसमें पानी ना निकले? कपड़े का तो यूज़ नहीं करोगे जिसमें से पानी निकल कर आपके ऊपर आ जाए। सिंथेटिक फाइबर पॉजेसेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक दैम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। जितने भी सिंथेटिक फाइबर है उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी, मतलब उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण इतने अच्छे होते हैं जिससे वो काफ़ी अलग अलग प्रकार की ड्रेसेस बनाने में काम आते हैं। ड्रेसेस के अलावा घर में जैसे छाता वगैरह, रस्सियाँ वगैरह बनाने में भी काम आते हैं। दे ड्राई अप क्विकली एंड आर ड्यूरेबल एंड लेस एक्सपेंसिव। ये जल्दी सूख जाते हैं, ड्यूरेबल, काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होते, इनकी लाइफ काफ़ी बड़ी होती है, लंबी होती है, और बहुत सस्ते होते हैं। रेडिली अवेलेबल, एकदम बनी हुए मिलते हैं, और ईजी टू मेंटेन, इनको मेंटेन करना भी आसान है, इनका ज़्यादा धोना वगैरह, धोना प्रेस करना काफ़ी आसान होता है। अब एक एक्टिविटी दी ऊपर आपको, जिसमें क्या करना है, एक कपड़ा लेना है सिंथेटिक फाइबर, एक नेचुरल फाइबर का, दोनों को धो लेना अच्छे से, फिर दोनों को निचो के सुखाना है धूप में, तो देखेंगे कि कौन सा फाइबर पहले सूखेगा। तो सिंथेटिक फाइबर पहले सूख जाएगा, और आर्ट नेचुरल फाइबर है जैसे आप कॉटन ले लो, वुल ले लो, तो वो लेट सूखेगा। तो उससे हमें पता चलता है सिंथेटिक फाइबर सोक लेस मोर वाटर देन नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर कम पानी सोखते हैं नेचुरल फाइबर से, इसीलिए वो सूखने में भी कम टाइम लेते हैं। ये भी बहुत बड़ी क्वालिटी है सिंथेटिक फाइबर्स की। व्हाई डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम सिंथेटिक फाइबर? इससे क्या पता चलता है कि इससे वो जल्दी सूख जाएंगे आपको, आप बारिश के टाइम पे भी अगर उसके कपड़े यूज़ करें तो जल्दी सूख जाएंगे, ठीक है। आप इन सब बातों के लिए अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए, उनको अलग अलग कपड़े के बारे में जानकारी दीजिए। अब अगला पार्ट हमारा प्लास्टिक, जिसको अपन अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलर पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।